नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 16 फरवरी 2023 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं? तो भैया, चाइना पे ध्यान रखते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 7 ITBP की नई बटालियंस को अप्रूवल दिया है। ये क्या है, इसको समझेंगे। राजनाथ सिंह साहब ने बोला है कि 75% डिफेंस कैपिटल आउटले का प्रोक्योर किया जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से। ये क्या है, इसको समझेंगे। 84,000 नए रेलवे के वैगन्स ऑर्डर किए जाएंगे फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को रेलवे में बढ़ाने के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिजीनियस कैरियर विक्रांत साल के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगा, इसको देखेंगे। इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे को रेसिप्रोकल सपोर्ट करेंगे UNSC की नॉन परमानेंट मेंबरशिप में। बेसिकली इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा 2030-31 के लिए। फिर गुवाहाटी की हाई कोर्ट ने बोला है कि जो आसाम में चाइल्ड मैरिज केसेस बड़े बल्क में बुक किए गए हैं, इसके अंदर ओवरऑल प्रोब आप जारी रख सकते हो, लेकिन कस्टोडियल इंटरोगेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या मुद्दा है, इसको देखेंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज की कि 2021-22 में किन नेशनल पार्टीज को डोनेशन का अमाउंट बढ़ा है, घटा है व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल डोनेशन 2021-22 में व्हेन कंपेयर टू 2020-21 31.5% बढ़ी। और चाइना हेयर कट लेगा ऑन इट्स लोन टू पुअर कंट्रीज सेज इंडिया G20 शेरपा। मतलब इंडिया के G20 शेरपा का बोलना है कि चाइना को हेयर कट लेना चाहिए। एडिटोरियल्स में साइलेंट पैंडेमिक ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करूंगा। जजेस ल्योर ऑफ पॉलिटिकल जॉब अब्दुल नजीर साहब को यहां पे रिसेंटली गवर्नर बनाया गया है। हाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस प्रकार की पोस्ट लेंगे, चूंकि रंजन गोगोई साहब अभी रिसेंटली राज्यसभा के मेंबर बने हैं। इससे पहले एक और जज हैं जिनको केरला का मेंबर बनाया गया था। तो इस प्रकार से जज अगर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ेंगे तो ओवरऑल जुडिशरी पे लोगों का भरोसा कम होगा। फिर तृणमूल कांग्रेस और जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वेस्ट बंगाल, उसके बारे में बात की गई है। जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड से रिलेटेड एक आर्टिकल है। BBC के टैक्स सर्वे से रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो 5 आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। इंडिया श्रीलंका रिफ्यूजी वाला आर्टिकल मैं छोड़ रहा हूं, ओवरऑल सब चीजें मैं एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, कुछ मैं आपके पढ़ने के लिए भी छोड़ता हूं। ओके, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। इट्स ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, थिंग्स विल गेट बेटर। जैसे कभी कभी होता है ना कि लाइफ में हमको लगता है कि यार सब कुछ बेकार हो रहा है, कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा है, बहुत अंधेरा सा है, कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि सुबह होने से पहले जो रात का समय होता है वो काफी अंधेरा होता है, लेकिन उस अंधेरे के थोड़ी देर बाद ही सूरज की किरणें और रोशनी आना शुरू हो जाएगी। तो जब भी बहुत ज्यादा डार्कनेस हो, बहुत ज्यादा आपको लग रहा हो कि यार कोई रास्ता नहीं दिख रहा, बहुत परेशान हूं, बहुत मुसीबतें हैं, समझ लीजिए कि इस मुसीबत के समय के बाद एक अच्छा समय भी आएगा। बस यू हैव टू होल्ड ऑन, ठीक है भाई। पहली न्यूज जीएस पेपर थी, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, आईज ऑन चाइना, कैबिनेट क्लियर 7 ITBP बटालियंस। अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। तो यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को 2 डिसीजंस को अप्रूवल दिया है। एक तो नई 7 इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बटालियंस बनाई जाएंगी। इन बटालियंस का काम क्या होगा, जो अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे 47 न्यू बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं और 12 स्टेजिंग कैंप्स बनाए गए हैं, इन पे सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। 3,488 किलोमीटर लंबा जो इंडिया चाइना बॉर्डर है उसमें 176 टोटल आउटपोस्ट हैं ITBP की। इन आउटपोस्ट को मैन करने के लिए इंक्रीज्ड मैन पावर की जरूरत है, इसीलिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने, जो कि बहुत लंबे समय से कंसीडर कर रही थी, इनफैक्ट 2014 से कंसीडर कर रही थी, फाइनली यहां पे डिसीजन लिया गया है कि 9,400 और एक्स्ट्रा लोगों को रिक्रूट किया जाएगा और 7 नई इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बटालियंस रेज की जाएंगी। उसके साथ साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर 4800 करोड़ रुपए यहां पे एलोकेट किया गया है। चाइना के साथ जो इंडिया के विलेजेस बॉर्डर लगाते हैं, वहां से माइग्रेशन बंद हो, वहां पे टूरिज्म बूस्ट हो, सोशल और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को चाइना बॉर्डर के लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है भाई। तो नए ITBP पर्सनल्स डिप्लॉय किए जाएंगे लगभग 9,500 और उसके साथ साथ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंदर लगभग 4800 करोड़ रुपए एलोकेट किया जा रहा है, ताकि बॉर्डर पे जो विलेजेस हैं वहां पे जो लोग रहते हैं वो वहीं रुके रहे और ओवरऑल वहां पे टूरिज्म बढ़े, देश के बाकी हिस्सों से लोग वहां पे टूरिज्म के लिए जाएं। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर साहब ने बोला है कि जो एडिशनल बटालियंस बनाई जाएंगी ये बेसिकली बॉर्डर इलाकों में इफेक्टिव मॉनिटरिंग करेंगी और कहीं ना कहीं ITBP का एक सेक्टर हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा 2025-26 तक, ठीक है।
इसमें अगर आप देखो तो आईटीबीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग को बनाने के लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए 1808.15 नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर यहां पे एलोकेट किया गया। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर मतलब वो जो खर्चा एक बार हो बार बार ना हो। उसी के साथ साथ सालाना 963.68 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया फॉर सैलरी एंड राशन ऑफ पर्सन। अभी 9,500 लोगों को अगर आप रिक्रूट करोगे तो उनका रहना खाना तनख्वाह ओवरऑल उनके ऊपर जो भी एक्सपेंस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आर्म फोर्सेस के पर्सन के ऊपर एक्सपेंस तो आपको करना पड़ेगा ना, इतनी मुश्किल टेरेन पे आप उसको नौकरी करने के लिए भेज रहे हो तो उसके लिए भी तो चीजें करनी है, खाने पीने का जुगाड़, उसकी तनख्वाह, उसका सोशल सिक्योरिटी, तो उसके लिए सरकार यहाँ पे सालाना 963.68 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है भाई, ओवरऑल देखा जाए तो अब जो टोटल स्ट्रेंथ होगी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, वो जो करेंटली सैंक्शनड है 88,000, वो पहुंच जाएगी 97,000 और इससे बन जाएगी आईटीबीपी फोर्थ लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। नई आईटीबीपी बटालियंस लास्ट टाइम रेस की गई थी 2011 में। प्रेजेंट आईटीबीपी बटालियंस को रोज करने का डिसीजन 2014 से कंसीडरेशन के अंदर है। अप्रैल मई 2020 में एक स्टैंड ऑफ शुरू हो गया और उसके बाद सरकार को समझ में आ गया था कि किसी भी हाल में नई आईटीबीपी बटालियंस लानी ही पड़ेंगी और फाइनली यहां पर डिसीजन ले लिया गया। इसके साथ साथ ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2025-26 तक चलाया जाएगा। इसमें 4800 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। जो भी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे विलेजेस हैं उनका डेवलपमेंट होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाएगा आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेजेस में। 2500 करोड़ रुपया यहाँ पे सड़कों को बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखो तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम स्कीम 2022-23 बजट में लाई गई थी, बट ओवरऑल प्रॉपर तरीके से पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे बनाया नहीं गया था, इंप्लीमेंट नहीं किया गया, अब फाइनली इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ऐसा अंदेशा है। तो इन बॉर्डर एरियाज के नेटिव एलोकेशंस में लोग बने रहें, इनको यहाँ पे ठीक ठाक खाने का सामान, ओवरऑल रहने की सुविधाएं, सोशल सिक्योरिटी, फोन, लैंडलाइन, रोड, सब तरीके की कनेक्टिविटी दी जाए। जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे हमारे देश के दूसरे हिस्सों में, उनको इनकरेज किया जाएगा कि भाई आप घूमने फिरने के लिए इन बॉर्डर विलेजेस में जाइए। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स और 46 बॉर्डर ब्लॉक्स में, चार स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, जिसमें लद्दाख आ गया भाई, आपका उत्तराखंड आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, सिक्किम आ गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी है। तो भैया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 2,966 विलेजेस जो कि चाइना बॉर्डर पे पड़ते हैं, वहां पे ओवरऑल इस 4800 करोड़ रुपए को खर्च करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। तो स्कीम क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी और डेवलप करेगी इकोनॉमिक ड्राइवर्स जो कि बेस्ड है लोकल नेचुरल ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज पे ऑन द बॉर्डर विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। ग्रोथ सेंटर्स को यहाँ डेवलप किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल समझते हो ना दोस्तों, कि एक हब है, इसको हब की तरह मतलब डेवलप किया गया, यहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इस हब से अलग अलग स्कोप्स के थ्रू रिसोर्सेज को निकाल के अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है जिसमें एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड हब डेवलप किया गया, वहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, वहाँ से सारी सुविधाएं निकल के दूसरी जगहों पे ट्रांसफर की जाएंगी। ठीक है, तो भाई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म पोटेंशियल को लेवरेज करना थ्रू प्रमोशन ऑफ लोकल कल्चरल ट्रेडिशनल नॉलेज, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल इको एग्री बिजनेस, वन विलेज वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव्स एनजीओस का ग्राउंड लेवल पे इन्वॉल्व होना वगैरह वगैरह। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान्स बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, इनको बनाने में ग्राम पंचायत मदद करेगी और केंद्र और राज्य की सरकारों के साथ इनको सिंक्रोनाइज किया जाएगा। इससे होगा क्या, ऑल वेदर रोड बनेगी, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होगा, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, सोलर विंड एनर्जी की, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, टूरिस्ट सेंटर, मल्टीपर्पज सेंटर, हेल्थ एनिमल सेंटर, आप समझ सकते हो ये सारी सुविधाएं एक बड़ी सिटी में ही होती है। अगर ये सिटी चाइना के बॉर्डर विलेजेस तक पहुंच जाए मजा ही आ जाए। इसके साथ साथ कैबिनेट ने बोला है कि शिंकुला टनल भी बनाया जाएगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी लद्दाख को देने के लिए। ये 4.1 किलोमीटर का टनल का कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। टोटल खर्चा है 1681 करोड़ रुपीज का। फिर अगली न्यूज, राजनाथ सिंह साहब ने बोला है कि ओवरऑल डिफेंस कैपिटल आउटले, जितना भी पैसा ओवरऑल डिफेंस में कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब गोला बारूद खरीदना, नए एयरक्राफ्ट खरीदना, सबमरीन शिप वगैरह बनाना, तो भाई ये जो डोमेस्टिक डिफेंस कैपिटल जो आउटलो है, मतलब
कैपिटल रेवेन्यू के बीच का फर्क आई होप समझ गए होंगे। डिफेंस सेक्टर में आप कह लो हमारे जवानों की तनख्वाह वगैरह देना, उनका खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, ये आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, ओवरऑल हथियार वगैरह खरीदना, ये सब कैपिटल में आता है। तो जो टोटल कितना कैपिटल आउटले होगा डिफेंस का, उसका कम से कम 75% प्रोक्योर किया जाएगा इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से 2023-24 में, ऐसा राजनाथ सिंह साहब ने बोला है। तो पहले कितना किया जा रहा था, तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो जो इंडिया का टोटल इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन है फ्रॉम 2019-20 टू 2020-21 वो है 2.58 लाख करोड़। 2020-21 में सरकार ने ओवरऑल डिफेंस कैपिटल आउटले का 58% प्रोक्योरमेंट इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री से करने की बात की थी। प्रोक्योरमेंट समझ लो, मतलब सरकार ने मान लो 100 रुपये एलोकेट किया डिफेंस कैपिटल आउटले के लिए, इसमें से 58 रुपीज भैया डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर से खरीदा जाएगा। ये टारगेट था किसका, 2020-21 का। 2021-22 में टारगेट कर दिया गया 64%, और 2022-23 में टारगेट रखा गया 68%, और अब 2023-24 में टारगेट रखा गया है 75%। इनफैक्ट टारगेट मीट भी कर रहे हैं, जैसे 2020-21 में जो टारगेट था 64% का, 65% प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री से किया गया। और अगर आप देखो तो अभी जो एरो इंडिया हुआ है वहां पे 250 बिजनेस टू बिजनेस पैक्ट और एमओयू साइन हुए हैं एयर इंडिया में, इससे इन्वेस्टमेंट अनलॉक होगी लगभग 79,000 करोड़ रुपए की, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। ये जो 14th एडिशन हुआ एरो इंडिया का, येला हांका एयर फोर्स स्टेशन कॉम्प्लेक्स में बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में इसको इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यहां पे पार्टिसिपेशन हुआ 700 डिफेंस फर्म्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अराउंड 100 कंट्रीज की तरफ से। ठीक है भाई, तो एरो इंडिया में क्या क्या किया गया, तो भैया एरो इंडिया में एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स लाइक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, HTT-40, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ओवरऑल एरो इंडिया में, इन सब चीज़ों को डिस्प्ले करके, इनकी कैपेबिलिटीज को मार्केट करके। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री का यहां पर टारगेट है कि 2024-25 तक इंडिया $25 बिलियन की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और एक्सपोर्ट टारगेट होगा $5 बिलियन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर का। पिछले कुछ सालों में सरकार ने बहुत से मेजर्स लिए हैं डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, तो ये हमने बात की डिफेंस की फील्ड में। नेक्स्ट, जीएस पेपर टू, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेलवेज प्लेस्ड ऑर्डर फॉर 84,000 वैगन्स टू इंक्रीज रेलवे शेयर इन फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। तो भैया यूनियन मिनिस्टर दर्शना जरदोश जी ने क्या बोला है कि भैया 84,000 वैगन्स का ऑर्डर देगी इंडियन रेलवेज, इनफैक्ट ऑर्डर दे दिया है, और इन 84,000 वैगन्स में गुड्स भर के ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, मतलब ये बेसिकली मालगाड़ी होगी। तो अभी क्या है कि रेलवेज के थ्रू जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है ना इंडिया में वो 27% है, तो 24% ऑफ द फ्रेट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेलवेज इन इंडिया, इस 27% को 45% करना है। देखिए सरकार का सिंपल टारगेट है, सबसे ज्यादा फ्रेट ट्रांसपोर्ट करो आप थ्रू इंटर रिवर वाटरवेज, दूसरे नंबर पे आना चाहिए रेलवेज, तीसरे नंबर पे रोड्स, क्योंकि रोड सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग और एक्सपेंसिव मेथड है, रेलवे सस्ता है और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है। तो इसी कंटेक्स्ट में फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे के शेयर को बढ़ाने का टारगेट यहां पे रखा जा रहा है। इसी कंटेक्स्ट में एसो काम का एक इवेंट था, फ्रेट बाय रेल द वे फॉरवर्ड फॉर अचीविंग 45% फ्रेट शेयर बाय 2030। इसमें हमारी यूनियन मिनिस्टर दर्शना जरदोश जी ने बोला है नेशनल ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू अचीव इट्स हाईएस्ट एवर लोडिंग ऑफ 1500 मिलियन टन्स दिस ईयर। ठीक है, तो भैया रेल बल्क गुड्स को कैरी करती है, अब रिटेल में छोटे वजन के गुड्स को कैरी करने का भी इंतजाम किया जा रहा है रेलवेज के थ्रू। तो जो चीज रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है उसको रेलवेज में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रेलवेज लॉन्ग टर्म में ज्यादा सस्ती होती हैं और पॉल्यूशन भी कम कॉस्ट करती है। ठीक है भाई, फिर आगे अगर बात की जाए, ओवरऑल शेयर ऑफ रेलवेज इन फ्रेट को 55% तक बढ़ाने के लिए चार चीजों की जरूरत है, एक तो ट्रैक अवेलेबिलिटी, वैगन एंड रेक, टर्मिनल अवेलेबिलिटी और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फ्रेट स्कीम्स यहां पे चलाई जा रही हैं। अगर आप देखो तो 2006 से लेकर 2014 तक इंडियन रेलवेज ने अमूमन प्रतिदिन 4.16 किलोमीटर के नए रेलवेज के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया,
ये एवरेज 2014 से लेके 2021-22 तक प्रतिदिन था 7 किलोमीटर पर डे का, और 2022-23 में ये पहुंच चुका है नंबर 12 किलोमीटर पर डे। तो जो ट्रैक लेइंग की स्पीड है, ओवरऑल नए ट्रैक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की स्पीड है, वो एवरेज स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ रही है। 2006 से 14 4.16 किलोमीटर पर डे, 2014 से 2021-22 7 किलोमीटर पर डे, 2022-23 12 किलोमीटर पर डे, ठीक है ना भाई। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो इस स्पीड से जब हम ओवरऑल रेलवे ट्रैक्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आगे आने वाले समय में जो देश का हर कोना है, नुक कॉर्नर ऑफ द कंट्री विल बी कनेक्टेड थ्रू रेलवेज। 2006 से लेकर 2014 तक रेलवेज ने 4,557 किलोमीटर के ट्रैक को डबल किया है, और 2014 से लेके अब तक 13,080 किलोमीटर की ट्रैक डबलिंग हो चुकी है। अब आप बोलोगे सर ये ट्रैक डबलिंग क्या होती है रेलवेज में, तो भैया रेलवेज में आप देखो तो जब रेल की पटरी है तो दो रेल की पटरी होनी चाहिए पैरेलली, एक अगर जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो एक आने के लिए इस्तेमाल की जाए, मतलब दोनों डायरेक्शन की रेल की पटरी अगल बगल में होनी चाहिए पैरेलली, इसको आप बोलते हो ट्रैक डबलिंग, ठीक है। फिर इसके साथ साथ देखो तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बना हुआ है, इसको 61% कमीशन किया गया है। ये बेसिकली फ्रेट मूवमेंट को इंडिया के अंदर एक इंपीटस देने की कोशिश कर रहा है, और इस पर्टिकुलर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर जो गुड्स ट्रेन होंगी उन गुड्स ट्रेन की मूवमेंट को तेज किया जाएगा। अक्सर अगर आपने देखा होगा कि माल गाड़ियां बहुत डिले होती हैं, उसका रीजन यह है कि कहीं से भी अगर पैसेंजर ट्रेन या कोई भी और प्रकार की ट्रेन जिसमें लोग बैठे हैं वो बैठे होंगे, माल गाड़ी को रेख दिया जाएगा, पैसेंजर ट्रेन को आगे भेज दिया जाएगा। तो इसी कंटेक्स्ट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए ये जो ओवरऑल फ्रेट ट्रेन हैं, जो गुड्स ट्रेन हैं, इनकी एवरेज स्पीड को भी बढ़ाने की बात की जा रही है, इनकी ओवरऑल इफेक्टिविटी, टाइम टेबल, इन सब को सेट करने की बात की जा रही है। अगर देखा जाए तो रेलवेज ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है 85% इलेक्ट्रिफिकेशन रिकॉर्ड टाइम के अंदर, और 100% कंप्लीट होगा इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किया है 2,40,000 करोड़ रुपया 2023-24 में रेलवेज को, बहुत बड़ा अलॉटमेंट है। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर रेलवेज के ऊपर फोकस भारत सरकार का बहुत ज्यादा है। रीजन बीइंग रेलवेज इज द लाइफलाइन ऑफ द कंट्री, चाहे वो लोगों के मूवमेंट की बात हो, चाहे वो गुड्स के मूवमेंट की बात हो, इनफैक्ट इंडिया की इकोनॉमी में रेलवेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ रेलवेज में और बहुत सी स्कीम लॉन्च की गई, अलग अलग प्रकार के वैगन खरीदे गए हैं इंडियन रेलवेज के द्वारा। इंडियन रेलवेज ओवरऑल इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर फर्स्ट माइल लास्ट माइल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो जो जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट है उसको देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने के लिए फर्स्ट माइल और लास्ट माइल की कनेक्टिविटी दी जाएगी इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और मिडिल माइल मतलब ओवरऑल स्टेशन टू स्टेशन एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुंचाने वाला जो काम है वो इंडियन रेलवेज करेगी। तो इंडियन रेलवेज का जो इंडिया पोस्ट के साथ आप कह लो एग्रीमेंट है, ये भी यहां पे न्यूज में। फिर नेक्स्ट भाई जीएस पेपर 3 डिफेंस, इंडिजीनियस कैरियर विक्रांत विल बी ऑपरेशनल बाय ईयर एंड नेवी चीफ। तो भैया कंट्री का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जिसका नाम है INS विक्रांत, इसके एविएशन ट्रायल्स चल रहे हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि इस साल के एंड तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इट विल बी फुल्ली ऑपरेशनल बाय द एंड 2023। नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार साहब ने बोला है जो इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LCA नेवी, और ये जो MiG-29K है इसने अभी रिसेंटली विक्रांत के ऊपर लैंडिंग्स करी हैं। INS विक्रांत 42,800 टन्स का है, इसको नेवी में कमीशन किया गया लास्ट सितंबर। जनवरी 2020 में DRDO ने सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया था अरेस्टेड लैंडिंग ऑफ लाइट कैम्बेट एयरक्राफ्ट नेवी और INS विक्रमादित्य। इनफैक्ट नेवी ने यह बोला है कि INS विक्रांत और विक्रमादित्य और बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो भी जहाज डिप्लॉय करने हैं कम से कम वो ट्विन इंजन जहाज होने चाहिए। तो इस बात को लेके जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है DRDO की, उसने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है TDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, जो कि लगभग 26 टन का होगा, इसके विंग्स फोल्डिंग होंगे, ये ट्विन इंजन होगा, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मोस्ट प्रॉब्ली कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल भी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को इंडिया के AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो इंडिया का इंडिजीनियस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, इसके साथ मिलकर बनाया जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है अगर हम एक TEDBF बना रहे हैं, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बना रहे हैं, तो उसमें 5th जनरेशन वाली कैपेबिलिटीज को लाने के लिए AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को भी सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। और रही बात नेवी में इंडिजनाइजेशन की बात, तो शिप बिल्डिंग में शिप्स 3 प्रकार से होते हैं, एक फ्लोट, एक मूव, एक फाइट। तो
तो फ्लोट शिप इंडस्ट्री में 95% इंडिजनाइजेशन इंडिया अचीव कर चुका है, मूव में 65% इंडिजनाइजेशन और फाइट में 50-55% इंडिजनाइजेशन। ठीक है भाई, फिर इंडियन नेवी का ये बोलना है कि हमने पॉलिटिकल बॉसेस को प्रॉमिस किया है कि इंडियन नेवी 2047 तक फुली सेल्फ रिलायंट हो जाएगी। तो अभी के लिए देखा जाए तो INS विक्रांत के ऊपर लगाया जाएगा दो चीजें, एक तो है LRSAM सिस्टम, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और एक है MF स्टॉर्म सिस्टम, रडार सिस्टम। ये जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसको जॉइंटली डेवलप किया गया DRDO और इसराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI द्वारा, और इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है LRSAM कौन, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। उसी प्रकार से MF स्टार जो है इसको इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया है, ये इंडियन नेवी की बाकी शिप्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है। तो याद रखिएगा दो चीजें, एक MF स्टार, एक LRSAM। INS विक्रांत की अगर आप लेंथ देखोगे तो 262 मीटर लंबा है, लगभग 62 मीटर ये चौड़ा है। चार जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 इंजन इसमें लगे हुए हैं, 828 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड, 7500 नॉटिकल माइल्स का एंड्योरेंस। फिर भाई नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर टू पॉलिटिक्स, डोनेशंस ऑफ नेशनल पार्टीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इंक्रीज बाई 31.5%। तो भैया फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जो टोटल डोनेशंस दी गई है नेशनल पार्टीज को, व्हेन कंपेयर टू 2020-21 187 करोड़ रुपए ज्यादा है। प्रीवियस फिस्कल 2020-21 से 2021-22 में डोनेशन 31.5% ज्यादा है, 187.03 करोड़ ज्यादा है। ऐसा किसने बोला है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में। जो टोटल डोनेशंस जो कि 20,000 रुपए से ज्यादा की होती हैं, देखिए 20,000 रुपए से कम की डोनेशंस को ज्यादा रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, 20,000 से ज्यादा की डोनेशंस जो कि नेशनल पार्टीज द्वारा डिक्लेयर की गई है 2021-22 के लिए, वो थी 780.74 करोड़। कहां से, 7,141 डोनेशन से। सबसे ज्यादा बीजेपी के पास आया 614 करोड़, 614 करोड़ 2021-22 में, कांग्रेस के पास 95 करोड़। किसने बोला है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने। बीजेपी को टोटल 4,957 डोनेशन मिली है, जिनका टोटल क्वांटम है 614.63 करोड़ का। कांग्रेस को 1,255 डोनेशंस मिली हैं, टोटल क्वांटम है 95.46 करोड़ का। जो टोटल डोनेशन बीजेपी ने डिक्लेयर की हैं, वो कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, एआईटीसी, एनपीईपी की टोटल डोनेशंस के 3 गुना से भी ज़्यादा है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो पिछले 16 सालों में डिक्लेयर कर रहा है, वो इस बार भी डिक्लेयर कर रहा है कि इनके पास 20,000 से ज़्यादा की कोई भी डोनेशन नहीं है। टोटल 2021-22 में व्हेन कंपेयर टू 2020-21 जो डोनेशन है वो 31.5% बढ़ी है, यानी 187.03 करोड़ बढ़ी है। बीजेपी को डोनेशन अगर देखा जाए तो 2020-21 में मिली थी 477.55 करोड़, यहाँ पे करोड़ नहीं लिखा हुआ, और 2021-22 में मिली है 614.63 करोड़, 28.71% का इंक्रीमेंट है। ठीक है भाई, अगर आप कांग्रेस की डोनेशंस की बात करो तो कांग्रेस को 2020-21 में डोनेशन मिली थी 74.52 करोड़ की, जो कि 2021-22 में हो गई है 95.46 करोड़। ठीक है भाई, वहीं पे अगर आप 2019-20 से 2021 देखो तो कांग्रेस की डोनेशंस 46.39% घटी थी, और बीजेपी पार्टी की डोनेशंस 2019-20 के कंपैरिजन में 2020-21 में 41.49% घटी थी। अब उतने काम का दोस्तों ये प्रिसाइज डाटा है नहीं, ये PPT मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, जो स्टैटिस्ट आपको इंपॉर्टेंट लगे आप चाहे तो नोट कर लो। वैसे मैं बताऊं तो आप नोट कर रहे हो तो सिर्फ इतना नोट करो कि भैया 2021-22 में ओवरऑल जो डोनेशंस थी 2020-21 के कंपैरिजन में 31.5% ज़्यादा थी, 187 करोड़ रुपए ज़्यादा थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितनी कितनी डोनेशन मिली ये आप किसी पर्टिकुलर आंसर में ना ही लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रीज़न बीइंग कि फिर उसमें वो पॉलिटिकल बायस वाला एलिमेंट आपके आंसर से निकल के नहीं आना चाहिए। एक बड़ा फिगर आपको बताना चाहिए कि ADR के हिसाब से नेशनल पार्टीज़ को डोनेशन पिछले साल कितनी मिली थी, इस साल कितनी मिली। ठीक है भाई, इसलिए ओवरऑल पार्टी वाइज फिगर यहाँ पे मेंशन कर दिया है, PPT आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल में, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट इस पर्टिकुलर डाटा को कहीं डिस्कशन में आप यूज़ कर लो तो ठीक है, ओवरऑल किसी आंसर में यूज़ मत करना। फिर नेक्स्ट भाई, चाइना मस्ट टेक अ हेयर टेक हेयर कट ऑन इट्स नोन टू पुअर कंट्री सेज इंडियाज G20 शेयर पर, GS पेपर टू फॉरेन पॉलिसी। तो भैया चाइना मस्ट एग्री टू टेक अ हेयर कट ऑन इट्स लोन, ऐसा कुछ यहां पे कहा जा रहा है। तो जो पुअर कंट्रीज को, गरीब कंट्रीज को लोन दिया जाता है उसमें चाइना को एक हेयर कट लेना चाहिए, चाइना को इन कंट्रीज की इकोनॉमिक रिकवरी में असिस्टेंस देना चाहिए। यहां बेसिकली हेयर कट लेने का मतलब क्या है, ओवरऑल आपने कम पेमेंट ले ली किसी चीज की, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपने 100 रुपए का लोन दिया 10% पे दिया, तो बाद में आपने रीपेमेंट 8% या 7% इंटरेस्ट पे कर लिया, मतलब एक हेयर कट कर लिया, जितना आपने पैसा दिया तो उससे थोड़ा कम ले लिया।
दोस्तों बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया, पता नहीं मेरी बिल्डिंग में इस समय पे सुबह 10:30 बजे के लगभग कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ, बट ओवरऑल काम इतना रहता है कि कभी कभी नहीं हो पाता मैनेज मेरे से। चलिए, यहाँ पे अमिताभ कांत साहब का ये बोलना है कि चाइना पूरी दुनिया के सामने आए, ऑनेस्टली ये बताया कि उसने किसको कितना डेप्ट दिया, वो श्रीलंका के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, वो डेप्ट को कैसे सेटल करेंगे, और अगर बाकी कंट्रीज हेयर कट ले रही हैं तो चाइना को भी हेयर कट लेना चाहिए। ये सारी की सारी बातें एक्चुअली में श्रीलंका के कंटेक्स्ट में हो रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स भी चाइनीज डेप्ट को समय समय पर क्रिटिसाइज करता रहता है। अगर आप देखो तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे साहब आईएमएफ से 2.9 बिलियन डॉलर्स का पैकेज लेना चाहते हैं, बट आईएमएफ उधार देगा श्रीलंका को तो ऑलरेडी जो कंट्री श्रीलंका को उधार दे रखी है उनसे एश्योरेंसेस भी लेगा। अब बड़े तीन लेंडर श्रीलंका के हैं, इंडिया, जापान बेस्ड पेरिस क्लब और चाइना। इंडिया तो रिटन एश्योरेंसेस दे चुका है श्रीलंका को और आईएमएफ को श्रीलंका के डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, जापान लेड पेरिस क्लब भी दे चुका है, लेकिन चाइना यहां पे रिटर्न एश्योरेंसेस नहीं दे रहा है। चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने मोरेटोरियम जरूर दिया है श्रीलंका को, बट रिटर्न एश्योरेंसेस नहीं दे रहा है अपने इंटरेस्ट पे हेयर कट लेने के लिए। चाइना का बोलना यह है कि ठीक है भाई, कंट्री टू कंट्री लोन श्रीलंका के पास सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, बट श्रीलंका के पास बहुत सारे मल्टीलेटरल सोर्सेस से भी उधारी गई है जो यूएस बेस्ड है, वेस्टर्न कंट्रीज बेस्ड है, और ये जो मल्टीलेटरल सोर्सेस के जो प्राइवेट लेंडर्स हैं ये तो अपना पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अगर आप एक चाइना जैसी कंट्री से एक्सपेक्ट करते हो कि हम हेयर कट लें, तो ये जो मल्टीलेटरल लेंडर्स हैं, जो प्राइवेट लेंडर्स हैं जिन्होंने श्रीलंका को उधार दे रखा है, ये भी एक हेयर कट लें। तो इस बात को लेके जितना दिलदार और उदार इंडिया हो रहा है, जापान हो रहा है, उतना चाइना हो नहीं रहा है। चाइना कह रहा है कि ठीक है भाई हम हेयर कट ले लेंगे, लेकिन बाकी जितने मल्टीलेटरल लेंडर्स हैं श्रीलंका के, जिन्होंने प्राइवेट बेसिस पे श्रीलंका की इकोनॉमी में लोन भेजा है, उनकी कंपनीज को लोन भेजा है, वो भी यहां पे एक हेयर कट लें। अब इस बात को लेकर श्रीलंका का ये जो डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है ये थोड़ा क्वेश्चन में आ गया है। तो चाइना बोल रहा है कि हम एयरकट ले लेंगे, पैसों के रिस्पेक्ट में एश्योरेंसेस दे देंगे, लेकिन हमारी ये शर्तें हैं, और वो शर्तें पूरी तरीके से आप कह लीजिए कि श्रीलंका के हित में नहीं है। समझ गए आपको? तो चूंकि देखिए अभी क्या है कि जब उधार की बात आती है तो इंडिया, जापान, चाइना, इन्हीं तीन कंट्रीज ने श्रीलंका को उधार नहीं दिया है, बहुत सारे आप कह लो प्राइवेट बैंकों ने, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस ने भी श्रीलंका को भी उधार दिया है, तो वो भी हेयर कट लें ऐसा चाइना यहां पे बोल रहा है, तब चाइना हेयर कट देगा। और इसीलिए जो आईएमएफ की 2.9 बिलियन डॉलर्स की डील है ये थोड़ी अभी के लिए ब्लॉक सी हो गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। फिर नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट सेट गवर्नर्स आर नॉट सपोज टू वेंचर इनटू पॉलिटिकल अरेना ऑफ अलायंस मेकिंग पार्टीज। बेसिकली यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने थोड़ा ये जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल आप कह लो गेम हुआ था, इसके रिस्पेक्ट में भी व्यू पॉइंट देते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार थी और उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन था, बेसिकली ये दोनों फैक्शन शिवसेना के आपस में लड़ पड़े थे, और ओवरऑल इस लड़ाई में एकनाथ शिंदे जी को बेनिफिट हुआ। बहुत सारे लोगों का ये बोलना है, एक्सपर्ट्स का बोलना है कि ये बेनिफिट इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र के गवर्नर एकनाथ शिंदे जी को सपोर्ट करना चाहते थे। तो इस कंटेक्स्ट में अभी एक ओपन हियरिंग हुई है, यहाँ पे तुषार मेहता साहब अपना व्यू पॉइंट दे रहे थे, हरीश सालवे साहब अपना व्यू पॉइंट दे रहे थे, यहाँ पे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने एक ओरल रिमार्क दिया है कि गवर्नर को अलायंस मेकिंग पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिक्स में वेंचर नहीं करना चाहिए। मतलब गवर्नर के रोल के लेके क्रिटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे इशू किया है डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने। इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं अलग से कवर करने की कोशिश करूंगा, रीजन बीइंग काफी गहमा गमी, काफी बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में इस टॉपिक के डिस्कशन के समय में। फिर भैया गुवाहाटी हाईकोर्ट यहाँ पे आसाम के चाइल्ड मैरिज केसेस में जो भी अरेस्ट वगैरह हुए हैं उनको लेके सरकार को क्वेश्चन कर रही है और बोल रही है कि भाई पॉक्सो एक्ट को लगाने की यहाँ पे क्या जरूरत थी। हालांकि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ओवरऑल सरकार की प्रोसीडिंग्स को खारिज नहीं किया, ये भी मैं आपको बता दूं। तो भैया पॉक्सो के चार्जेस लगाए गए हैं और जहां पे पॉक्सो के चार्जेस नहीं लगाए गए हैं वहां पे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लगाया गया। आपको पता होना चाहिए कि आसाम की हिमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने आसाम में ओवरऑल बढ़ते मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट को लेके चाइल्ड मैरिजेस को रोकने का बेड़ा उठाया। अब चाइल्ड मैरिजेस को आप रोकोगे तो 18 साल से कम की उम्र के जितने भी लड़का लड़की ने शादी कर रखी है उनका अरेस्ट करना बनता है, और ज्यादातर केसेस में लड़का ही अरेस्ट होता है, लड़की को अरेस्ट नहीं किया जाता। तो ऐसे केसेस में 3000 लोगों के रिस्पेक्ट में केसेस बुक किए गए हैं अंडर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ पीसीएमए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, और कुछ में तो पॉक्सो एक्ट भी घुसेड़ दिया गया है। ठीक है ना भाई, कई केसों में जो शादी है वो 1 साल से ज्यादा पुरानी है।
और कईयों में तो जो मेन अरेस्ट किए गए हैं दे आर द लोन ब्रेड अर्नर्स इन द फैमिली, तो उनकी जो वाइफ है जो कि 18 साल से बहुत कम उम्र की है वो भी यहां पे आके धरना प्रदर्शन कर रही है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास मुद्दा पहुंचा। अब ऑब्वियस सी बात है जिन लोगों को भी यहां पे अरेस्ट किया है वो जाके कोर्ट में क्या बोलेंगे कि भाई हम भले ही 18 साल से कम उम्र के हैं लेकिन हमने अपनी मर्जी से शादी की, कोई जोर जबरदस्ती यहां पे नहीं हुई है। आपको पता ही होगा दोस्तों इंडिया के अंदर लड़की की शादी की उम्र है 18, लड़के की शादी की उम्र है 21, बट बहुत सी जगहों पे 14 साल 15 साल 16 साल इनफैक्ट 12 8 साल के बच्चों की शादी करा दी जाती है, ये भी बताया जा रहा है। और शादी को तो नोटराइज्ड पेपर पे स्टैंप के थ्रू यू नो टेस्टिफाई किया जाता है। आसाम में ऐसे भी कुछ केसेस निकल के आए हैं कि 8 साल का लड़का लड़की की शादी कर दी गई नोटराइज्ड पेपर पे और बाद में शादी को 4-5 साल बाद कंज्यूमेट किया जाएगा, कुछ इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। इनफैक्ट नोटराइज पेपर पे सब लिखा जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में जब गुवाहाटी हाईकोर्ट में केस पहुंचा, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 9 लोगों को एंटीसिपेटरी बेल दी है। इन 9 लोगों के ऊपर पॉक्सो के चार्जेस लगे हैं और जो चार्जेस है ना उसमें इनको 20 साल की सजा हो सकती है। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट क्या यहाँ पे केस खारिज कर रहा है इसलिए यहाँ पे बेल दे रहा है? तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बोला कि भाई देखिए अगर मैरिज एक लॉ के वॉयलेशन के हिसाब से हो रही है तो लॉ तो अपने हिसाब से चलेगा, और ऐसा नहीं कि चाइल्ड मैरिज आज से हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो आपने अरेस्ट किए हैं पीएमसीए एक्ट के अंदर, पॉक्सो एक्ट के अंदर, यहां पे कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत नहीं है। मतलब आपको बंदे को जेल के अंदर बंद रख के उसको इंटेरोगेट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको जेल में बुला सकते हो, उसका स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर उसको आप भेज दो। हम आपकी प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। मतलब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आसाम की सरकार से बोला है कि जो भी तुम प्रोसीडिंग वगैरह कर रहे हो करते रहो, वी आर नॉट इंटरफियरिंग इन योर ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन, वी आर जस्ट सेइंग कि भाई जिन लोगों को भी तुमने अरेस्ट किया है अरेस्ट करने की जरूरत नहीं, उनको बेल पे छोड़ दो, समय समय पे उनको बुला लो, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दो, जब तुम्हारा फाइनल जजमेंट आ जाएगा डिसीजन आ जाएगा उस हिसाब से जेल में डाल देना। तो जो स्टेट के काउंसिल थे, स्टेट के वकील थे, उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने सबमिट किया कि सर पॉक्सो का चार्ज एक सीरियस चार्ज है। तो जजेस ने बोला कि हम आपको प्रोब इन्वेस्टिगेशन करने से नहीं रोक रहे हैं, क्या इन पॉक्सो के चार्जेस में जो शादी हुई है वहां पर रेप का कोई इल्जाम लगाया गया है? बेसिकली गुवाहाटी हाईकोर्ट ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे जो भी चाइल्ड मैरिज के केसेस हुए हैं ज्यादातर कंसेंशुअल है, लड़का लड़की की भी रजामंदी है, फैमिली मेंबर्स की भी रजामंदी है, किसी प्रकार के कोई रेप के चार्जेस नहीं है, तो थोड़ा लीनियंट व्यू लो। हालांकि इतना ओपनली गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चाइल्ड मैरिज के फेवर में नहीं बोला है, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी बोला कि भाई हम जानते हैं चाइल्ड मैरिज इज अ बैड आइडिया, लेकिन ओवरऑल इसके लिए आप सबको उठा के जेल में डाल दो उससे भी मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा सरमा साहब, उन्होंने बोला कि आसाम के अंदर इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए चाइल्ड मैरिज के इंस्टेंसेस को हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से चाइल्ड मैरिज के इंस्टेंसेस को रोका जा रहा है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा। और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई आप अपनी प्रोब वगैरह कर लो, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लो, बट अभी जेल में बंद करके मत रखो, हम इनको बेल दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट भैया, इंडिया बांग्लादेश प्लेज रेसिप्रोकल सपोर्ट फॉर यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबरशिप। तो भैया इंडिया और बांग्लादेश ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है फॉर द नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी सपोर्ट करने का मतलब क्या है? क्या बांग्लादेश को नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिलने वाली है? नहीं भाई, इंडिया की 2021-22 की नॉन परमानेंट मेंबरशिप पिछले साल दिसंबर मतलब 2022 दिसंबर में खत्म हो गई। अगली बार 2028-29 में इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा यूएनएससी का। बांग्लादेश के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है 2030 और 2031 में बांग्लादेश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन जाए, और इस बात के लिए इंडिया यूएनएससी के अंदर बांग्लादेश के कॉज को पुटअप करेगा। ये सब बातें कब हो रही? तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा साहब बांग्लादेश ढाका गए हुए हैं, ढाका में शेख हसीना जी से मिले, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मैसेज है कंटिन्यूड कमिटमेंट टू बायलेटरल रिलेशंस अपहोल्डिंग बांग्लादेश एज अ पिवट ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को उसको फिर से रिट्रेट किया। बांग्लादेश इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का की पार्टनर है, ये बात यहां पे बोली। बांग्लादेश इंडिया की G20 समिट का गेस्ट कंट्री है जो कि इंडिया की प्रेजिडेंसी के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है। एज अ गेस्ट कंट्री बांग्लादेश का एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिया सीक करता है जो भी G20 के अलग अलग फंक्शंस होंगे वहां पे। डाइवर्स एरियाज में बायलेटरल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाएगा इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड कंसेशन राइज ऑफ क्रेडिट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कनेक्टिविटी पावर एनर्जी डिफेंस सिक्योरिटी पीपल टू पीपल टाइज वगैरह वगैरह।
तो भाई यहाँ पे करंट अफेयर्स दोस्तों ख़त्म होता है, काफ़ी लंबा हो गया, अब जल्दी से एडिटोरियल को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मैनिफेस्टो फॉर टैकलिंग द साइलेंट पैंडेमिक ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, सिंपल सा आर्टिकल है। कोविड 19 पैंडेमिक से दुनिया इमर्ज कर रही है, अब इस समय पर एक और बड़ा पैंडेमिक हमें घेर के बैठा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये लंबे समय से एग्जिस्ट होता करता है और आगे भी एग्जिस्ट करेगा, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डेंजर है। कोविड 19 के डेंजर को दुनिया भर की कंट्रीज ने, सरकारों ने रिकॉग्नाइज किया, उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन एएमआर भी इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि दुनिया भर की कंट्रीज को इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एक ग्लोबल मल्टीसेक्टोरल नेशनल रिस्पॉन्स इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट नई दवाइयों ने ह्यूमन हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज किया है। हेल्थ एक्सपर्ट लगातार लड़ रहे हैं ताकि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से लड़ा जा सके, लेकिन ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है ना, वो ड्रग्स के प्रति रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस मिसयूज कर रहे हैं, एक्सेसिव ओवर यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का। आज की डेट में निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्लड पॉइजनिंग, बहुत सारी फूड बॉर्न डिजीज से नॉर्मल दवाइयों से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके जो बैक्टीरिया है ना, वो दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके हैं, समझ गए। और अगर आपके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, जल्दी आपकी दवाइयाँ आप पे काम करेंगी नहीं। अगर आप हॉस्पिटल पहुँचे तो हो सकता है आपका हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा लंबा हो जाए। कई बार एडवांस मेडिकल प्रोसीजर्स की वजह से भी आप कह लो कि पेशेंट्स रिकवर नहीं कर पाते, और रिकवर कर भी गए तो कहीं ना कहीं एएमआर के चलते उनकी मौत हो जाती है। इनफैक्ट अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बड़ी बड़ी हो गई, डायबिटीज जैसी, तो उस केस में भी एएमआर कभी ना कभी आप पे हावी हो जाता है। 2019 में एएमआर की वजह से 4.95 मिलियन ह्यूमन डेथ्स हुई थी। 2018 की जो एक रिपोर्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट की, उसने बोला कि 2030 तक ये जो रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक्स के प्रति एएमआर, ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। इंडियन मेडिकल काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 में बोला कि जो रेजिस्टेंस लेवल है ओवरऑल हर साल इन बैक्टीरियाज का, वो 5% से बढ़ के 10% हो रहा है, ठीक है भाई। इनफैक्ट जो कॉमनली यूज ड्रग्स हैं, सिप्लोफ्लॉक्सिन, जेंटामिसिन, कोट्रिमाक्सोल, एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन, इनके प्रति जो बैक्टीरियाज का रेजिस्टेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज एन अर्जेंट टॉपिक, और इंडिया एज अ लीडर ऑफ G20, इंडिया एज अ प्रेजिडेंट ऑफ G20, इस पर्टिकुलर साइलेंट पैंडेमिक की खतरनाक, आप कह लो यू नो, स्टांस को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकता है। एएमआर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एजेंडा पे बड़ा होना चाहिए, और इंडिया इस पर्टिकुलर एएमआर क्राइसिस के प्रति बहुत हद तक कमिटेड है। अगर आप देखो तो 24 से 25 नवंबर 2022 को मस्कट में हुआ थर्ड ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जहां पे 30 कंट्रीज ने मिलके मस्कट मिनिस्टीरियल मैनिफेस्टो को अडॉप्ट किया। अब आप बोलोगे कि इस मस्कट मिनिस्टीरियल मैनिफेस्टो में था क्या, तो भैया इस पर्टिकुलर मैनिफेस्टो में इट रिकॉग्नाइज द नीड टू एक्सेलरेट पॉलिटिकल कमिटमेंट्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ एक्शन फॉर कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ एएमआर। यहाँ पे ये भी रिकॉग्नाइज किया गया कि इम्पैक्ट ऑफ एएमआर केवल ह्यूमन बींग्स पे नहीं है, जानवरों पे भी है, इसलिए इन्वायरमेंटल हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, हर चीज़ को ध्यान से यहाँ पे टेकअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तीन हेल्थ टारगेट्स हैं यहाँ पे, एंट्री माइक्रोबियल के प्रयोग को एग्रीकल्चर फूड सिस्टम में 30 से 50% तक कम करिए बाय 2030। एनिमल और फूड प्रोडक्शन में एंटी माइक्रोबियल का इस्तेमाल ना किया जाए तो बेटर है, और जो भी एंटीबायोटिक कंजम्पशन किया जा रहा है ह्यूमंस में, 60% एंटीबायोटिक्स वो होने चाहिए जो कि WHO की एक्सेस ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स में शामिल हो। ये तीन आइडियाज हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से कुछ हद तक लड़ पाएंगे। इंडिया की यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने भी ये अपने बोला था अपने एड्रेस में कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक सीरियस ग्लोबल थ्रेट है और दूसरी हेल्थ प्रायोरिटीज की वजह से इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके लिए अगर आप देखो तो WHO ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन यूज सर्वेलेंस सिस्टम ग्लास सिस्टम बनाया गया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट की मदद से डाटा फीड किया जाता है और ये एसेस करने की कोशिश की जाती है कि किस हद तक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। WHO के हिसाब से देखोगे तो जो साइप्रोफ्लॉक्सैसिन नाम की जो दवाई है, इसमें जो एस्चेरिची कोली का जो रेजिस्टेंस है वो 8.4 से 92.9% तक बढ़ चुका है, और क्लेब्सिएला निमोनिया में एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस है वो 4.1 से 79.4% तक बढ़ चुका है। मतलब इतने परसेंट तक इन पर्टिकुलर बैक्टीरियाज पे दवाई का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं।
तो बेसिकली मस्कट मैनिफेस्टो यहाँ पे एक वन हेल्थ अप्रोच की बात करता है, जहां पे सारे स्टेक होल्डर्स मिलके एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाएंगे, जहां पे चैलेंज ऑफ ह्यूमंस, टेरिस्ट्रियल, एक्वेटिक एनिमल, प्लांट हेल्थ, फूड एंड फीड प्रोडक्शन, एनवायरमेंट, सबको एक कंसोलिडेटेड व्यू से देखा जाएगा। हेल्थ क्राइसिस जो कि एमआर की वजह से आ सकती है, उसको इफेक्टिवली प्रिवेंट, प्रिडिक्ट और डिटेक्ट किया जाएगा। और इसके लिए दुनिया भर की कंट्रीज ने ऑलरेडी दोस्तों स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। जैसे नीदरलैंड और थाईलैंड ने अपने एंटीबायोटिक कंजम्पशन को 50% कम कर दिया है। चाइना में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन बहुत हद तक कम हुआ है। हेल्दी एनिमल्स की ग्रोथ के लिए जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसको यहां पर कम किया जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017 से लेकर 2021, ये सरकारी इनिशिएटिव्स की इफेक्टिविटी को दिखाने की कोशिश करता है इन द फील्ड ऑफ हैंड हाइजीन, सैनिटेशन प्रोग्राम सच एज स्वच्छ भारत अभियान, कायाकल्प एंड स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र। ठीक है ना भाई, गवर्नमेंट ने कम्युनिटी अवेयरनेस को भी बढ़ाने की बात की है फॉर हेल्दियर एंड बेटर फूड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। एनिमल फूड इंडस्ट्री के अंदर भी एंटीबायोटिक के प्रयोग को लिमिट करना ओवर द काउंटर मेडिकेशंस में, ओवरऑल एंटीबायोटिक्स का जो यूज है एंटीबायोटिक्स में इसको रोकना, ये सब कहीं ना कहीं भारत सरकार कर रही है। WHO के ग्लास प्रोग्राम के साथ डाटा रेगुलरली शेयर किया जा रहा है, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा रही है, ओके एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है भाई, ये श्रीलंका रिफ्यूजीज वाला आर्टिकल मैंने नहीं डिस्कस किया है। अगला आर्टिकल, जजेस इन द ल्योर ऑफ पॉलिटिकल जॉब्स। बेसिकली यहाँ पे जजेस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि सरकार, रूलिंग पार्टी यहाँ पे जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं जुडिशरी कंट्रोल में भी आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अयोध्या राम मंदिर लैंड इशू में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई थी, उसके एक जज जो कि रिटायर हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट से, उनको यहाँ पे गवर्नर बनाया गया आंध्र प्रदेश का, नाम है जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जैसे जस्टिस पी सिद्धासिवम, इनको गवर्नर बनाया गया था केरला का, और रंजन पी गोगोई, इनको राज्यसभा का अपॉइंटेड मेंबर बनाया गया। तो बेसिकली यहां पे जजेस को ल्यूक्रेटिव पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो एक प्रकार का कैरेट कल्चर प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और ये जजेस को करप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। अभी के जो सर्विंग जजेस हैं, सरकार शायद उनको एक मैसेज भेज रही है कि हमारे हिसाब से चलोगे तो कल को हम तुमको पॉलिटिकली रिवार्ड भी करेंगे, तो डिसीजंस हमारे फेवर में दो, अगेंस्ट में मत दो, कुछ इस प्रकार की बात ये ऑथर बोल रहा है। 1980 में भी अगर आप देखो तो जस्टिस वीदी तुलजापुरकर ने बोला था कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स के जीतने के बाद जज ही उनको बुके और फॉलोअर्स वगैरह भेजना शुरू कर देंगे तो ओवरऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक बात होगी, लोगों का जो भरोसा है जुडिशरी में वो हिल सकता है। और गवर्नर की पोस्ट तो वैसे भी एक पॉलिटिकल पोस्ट होती है, इट इज़ अ सेरिमोनियल पॉलिटिकल पोस्ट। आज की डेट में गवर्नर से ज़्यादा किसी की भी रोल को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार से जुडिशरी अगर पॉलिटिकल करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगी तो कल की डेट में ओवरऑल जुडिशियल स्टैंड, जुडिशरी के ऊपर लोगों का भरोसा कम होगा। और ऐसा नहीं कि इस प्रकार की पॉलिसीज को केवल अभी की बीजेपी की सरकार इस्तेमाल कर रही, पहले कांग्रेस लेड गवर्नमेंट्स अंडर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी इस पर्टिकुलर टैक्टिक्स को अपना चुके हैं। तो इस प्रकार के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट जजेस को ये लालच छोड़ देना चाहिए, जज एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठते हैं, उनका काम एज अ जुडिशियल फंक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें सीखना चाहिए जस्टिस अकिल कुरेशी जैसे जजेस से जिनको ओवरऑल एलिवेशन के लिए डिसरिकार्ड किया गया, अलग अलग हाईकोर्ट में उनको घुमाया गया और वो डिग्निटी से ओवरऑल यहाँ पर रिटायर करके चले गए। लेकिन शायद यहां पे ऐसे कुछ जज हैं जो कि पॉलिटिकल फेवर्स के लिए, पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए हो सकता है यहां पे सरकार के फेवर में डिसीजन देना शुरू कर दें, अगर ओपनली यहां पे सरकार इस प्रकार के जजेस को ल्यूक्रेटिव पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स देगी। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही है। फिर भाई वेस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम कॉलोनियल क्या है कि वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में मुस्लिम्स का वोट बड़ा मैटर करता है। ठीक है, अब यहां पे मैं डेमोग्राफी की बात नहीं करूंगा कितनी परसेंट मुस्लिम आबादी है, मैं यहां पे बात करूंगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार से मुस्लिम वोट्स को खींचने की कोशिश करती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर इस समय पे ज्यादातर मुस्लिम वोट्स खींचती है एक पॉलिटिकल पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। अगर आप देखो तो 294 मेंबर्स की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वेस्ट बंगाल की, वहां पे 43 मुस्लिम MLAs हैं। इन 43 मुस्लिम MLAs में 42 तो तृणमूल कांग्रेस के हैं, केवल एक मिस्टर सिद्दीकी हैं जो कि आपके सेक्युलर फ्रंट, इंडियन सेक्युलर फ्रंट को बिलोंग करते हैं। अब ये जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट है, इसने लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। अब लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस ज्यादा जीत नहीं पाई, ज्यादातर सीटें तृणमूल कांग्रेस में जीती, बाद में नंबर था बीजेपी का। बीजेपी पार्टी के लिए बोला जा रहा है कि उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को ज्यादा टारगेट किया नहीं,
तो मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करने वाले दो फ्रंट थे, एक तो भाई तृणमूल कांग्रेस हो गया, दूसरा आईएसएफ लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस। अब बेसिकली जो नौशाद सिद्दीकी हैं आपके आपके इंडियन सेक्युलर फ्रंट के, इनके पास ये काबिलियत है कि ये मुस्लिम वोट्स को खींच सकते हैं, और ये बात शायद तृणमूल कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही। इसलिए आप देखो तो 21 जनवरी को नौशाद सिद्दीकी और उनके सपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया। बेसिकली तृणमूल कांग्रेस का जो मुस्लिम वोटर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के अंदर, उस इन्फ्लुएंस को तृणमूल कांग्रेस कम नहीं होने देना चाहता है। तो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिम वोट्स को तृणमूल कांग्रेस से दूर खींच सकती है उसको कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाएगी तृणमूल कांग्रेस। इसलिए तृणमूल कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के जो सपोर्टर्स हैं इनके बीच में अक्सर का झगड़े। अभी रिसेंटली पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के लोगों को अरेस्ट कर लिया। 2024 में लोकसभा पोल होने वाले हैं, अगर इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने मुस्लिम वोट्स खींच लिए तो तृणमूल कांग्रेस को डिसएडवांटेज होगा, कुछ इस प्रकार की बात हो रही। और सबसे खास बात दोस्तों यह है कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पे ऑन एन एवरेज बेसिस पे मुस्लिम्स डिसएडवांटेजेस कंडीशन पे। अगर देखा जाए तो जितने भी लिटरेल मुस्लिम्स हैं वेस्ट बंगाल में, इसमें केवल 2.7% लोगों के पास ग्रेजुएट डिग्री है। 17% जो मुस्लिम्स हैं स्टेट में वो अर्बन सेटलमेंट्स में रहते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया के 28% मुस्लिम्स अर्बन सेटलमेंट्स में रहते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में डिसएडवांटेजेस कंडीशन में। तो इससे एक बात पता चलती है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में पॉलिटिकली अगर रिलीजन के आधार पर आपकी अवेयरनेस ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा एडवांटेजियस या डेवलप्ड पोजिशन में होंगे। आप वेस्ट बंगाल एक प्राइम एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं, वहाँ पर धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स बहुत होती है बट माइनॉरिटीज़ का बड़े स्केल पर डेवलपमेंट हो रहा हो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर पॉलिटिकल पार्टी को सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। अब बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स, ये सब ऑथर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के अगेंस्ट ममता बनर्जी जी भी सॉफ्ट हिंदुत्व स्टैंड अपना रही हैं। उन्होंने दुर्गा पूजा कम्युनिटी स्टॉल्स के लिए इंसेंटिव्स बांटे, टेम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए फंड्स रिलीज किए, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुस्लिम्स के लिए भी वो अक्सर कर प्रोग्राम चलाती रहती हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम्स हिंदूज के बीच में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रही। तृणमूल कांग्रेस नो डाउट मुस्लिम वोट्स को तो अपने पास खींच ही रहा है बट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि बीजेपी को काउंटर करना है तो सिर्फ मुस्लिम वोट से आप काउंटर नहीं कर पाओगे। तो ये सारी पॉलिटिक्स मुस्लिम वोट्स को लेकर चल रही है वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर ब्रेजन इंटिमिडेशन, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो 2 दिन का सर्वे किया है बीबीसी ऑफिस में, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बेसिकली नई दिल्ली और मुंबई के ऑफिस में जो बीबीसी में सर्वे डाली गई, इसको ओपनली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि बीबीसी के ऑफिस में सर्वे इसलिए डाली गई क्योंकि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है नरेंद्र मोदी जी को लेके, जब पहला पार्ट यहाँ पे रिलीज किया। और जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बीबीसी के ऊपर वो है ट्रांसफर प्राइसिंग के और डाइवर्सन ऑफ प्रॉफिट्स के। इस प्रकार से एक वेल रेनाउंड मीडिया आउटलेट के ऊपर इस प्रकार की रेट डालना, सर्वे करना, ये अपने आप में सही चीज़ नहीं है। ऐसा रेट्स पहले भी पड़ी है, न्यूज़ लॉन्ड्री के ऊपर 2021 में पड़ी थी, सीबीआई रेट, एनडीटीवी पड़ी थी 2017 में, डिजिटल पोर्टल न्यूज़ क्लिक और आईटी सर्चेस हुए थे दैनिक भास्कर ग्रुप पे 2021 में। फिर एक डिजिटल मीडिया फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, यहाँ पे भी ओवरऑल सर्वेज हुई थी। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में भी सर्वे हुई है। तो इस प्रकार की सर्वे केवल उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में करवाई जा रही हैं जो सरकार के क्रिटिकल कमेंट्स दे रहे हैं। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, हमें एक डेमोक्रेसी की तरह समझा जाता है और डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम होती है, सेपरेशन ऑफ पावर होती है। तो इस प्रकार से सरकार इस सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को छोड़ के ऐसी सर्वेस करवाएगा, रेड करवाएगा, तो ऐसा लगेगा कि मीडिया आउटलेट्स को गिराने की कोशिश की जा रही है, इससे इंडिया की जो स्टैंडिंग है दुनिया में वो थोड़ी नीची हो जाएगी। ठीक है, और फाइनली अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो वर्डिक्ट दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो डिलिमिटेशन कमीशन था वो सही था, ये वर्डिक्ट पूरी तरीके से सही नहीं है। देखिए, डिलिमिटेशन अगर आप जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से देखोगे, उसकी लीगैलिटी चेक करोगे, तो भाई देखो लीगैलिटी तो है, पार्लियामेंट के पास ताकत है कि पार्लियामेंट नए स्टेट्स बना सकती है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स को अल्टर कर सकती है, उनकी स्टेट्स, उनके स्टेटस और बाउंड्रीज को भी बदल सकती है। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में बदला गया, ये भारत सरकार कर सकती थी, इस पर कोई लीगल चैलेंज नहीं आ सकता। लेकिन एक चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये है कि इलेक्टोरल लैंडस्केप को बदला गया। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जम्मू डिसीजन के लिए 6 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ाई गई और कश्मीर डिसीजन के लिए केवल 1 सीट एक्स्ट्रा बढ़ाई गई, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गई 90। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टेप को कुछ इस तरीके से देखा जा रहा है कि जम्मू में जो पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंट है वो ओवरऑल मेजॉरिटी बना ले जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। अभी के लिए क्या है कि कश्मीर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे सीटें ज्यादा हैं, तो मेजॉरिटी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की बन जाती है।
तो इसको हिंदुत्व वर्सेस मुस्लिम के फॉर्म में देखा जा रहा है। जो कश्मीर के लोग हैं उनका यह बोलना है कि भाई हमारी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी को छीना जा रहा है। अब वो अलग बात है कि जब कश्मीरी पंडित्स को मारा था, भगाया था, तो उस समय पे कश्मीरी पंडित्स की किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन आज चीजें बदल रही हैं। हालांकि जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरीके से सही देखिए यहाँ पे हो नहीं रहा है। टेक्निकली लीगली देखा जाए तो जो पेटिशनर्स यहाँ पे सरकार के डिसीजन के अगेंस्ट, डिलिमिटेशन कमीशन के अगेंस्ट बहस कर रहे हैं, उनका ये बोलना है कि भाई सेंसिस तो 2026 के बाद के, मतलब आप कह रहे हो जो डिलिमिटेशन है वो तो 2026 के बाद का जो सेंसस उसके हिसाब से होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया आर्टिकल 170 के अंदर ये क्लॉज केवल राज्यों पे एप्लीकेबल है, यूनियन टेरिटरी पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यूनियन टेरिटरी के अंदर जो डिलिमिटेशन है वो 2011 सेंसस के हिसाब से हो सकता है। तो नो डाउट ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो सही है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 6 सीटें जम्मू को और 1 सीट कश्मीर को दी गई, ये पूरी तरीके से देखिए सही नहीं है। इसमें एक पॉलिटिकल बायस नजर आता है धर्म के आधार पर, जिस बायस को बहुत सारे अलग अलग फैक्शंस उठा रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से इन चीजों का सॉल्यूशन ये है कि एक जगह अगर पूरी तरीके से सेक्युलर हो जाएगी तो चीजें बढ़िया होंगी। कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी हिंदू कश्मीरी पंडित कम्युनिटी थी उनके खिलाफ अत्याचार हुए हैं, तो आज की डेट में जब ये उल्टा तरीका हो रहा है तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है। तो इस प्रकार के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बेस्ट ये रहेगा कि एक सेक्युलर अप्रोच से एक पर्टिकुलर जगह की पॉलिटी को डिवाइस किया जाए, जहां पे पॉलिटी किसी कम्युनिटी धर्म से जुड़ जाती है वहां इस प्रकार की एक्टिविटीज होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर